हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइस, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे टू स्टेप वेरिफिकेशन फेसबुक में कैसे हम लोग एनेबल कर सकते हैं। तो गाइस, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, और आपको मैं अपने जीमेल अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन करके भी दिखाया था। फिर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका क्या करता है, जो फेसबुक या जीमेल को भी सोशल नेटवर्क साइट होता है उसमें एक लेयर ज़्यादा बैठा देता है सिक्योरिटी का, जिसके कारण आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल का जो अकाउंट है तो वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। और टू स्टेप वेरिफिकेशन का ये काम है कि जैसे ही आप अपना फेसबुक या कोई भी सोशल नेटवर्क में लॉगिन करेंगे तो आपका जो पासवर्ड तो डालना ही पड़ेगा, मगर पासवर्ड के साथ साथ आपका जो रजिस्टर फ़ोन नंबर रहता है जो आप लिंक करेंगे फेसबुक या कोई भी सोशल नेटवर्क साइट से, तो उसमें एक कोड आएगा 6 डिजिट 4 डिजिट का, उसको कोड को डालना होगा, तब जाकर आपका फेसबुक या कोई भी सोशल नेटवर्क साइट खुलेगा। तो ये था छोटा, मैं समझा दिया। इसका डेप्थ में अगर जानना है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो गाइस, आज ये वीडियो में हम लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करते हैं फेसबुक में। तो सबसे पहले आप जैसे कि आप देख सकते हैं फेसबुक खुला हुआ है, और ये चीज़ आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, जस्ट आप ये स्टेप सब फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये इधर एक एरो लाइन में जाना होगा। अगर आप ये पीसी में कर रहे हैं तो आप पीसी में ये एरो लाइन में जा सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में भी कर रहे हैं और ब्राउजर में कर रहे हैं तो आप चाहेंगे तो आपका ब्राउजर जो क्रोम ब्राउजर होता है उसको आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए, तब जाकर आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा। नहीं तो आप नॉर्मल मोड में भी कर सकते हैं, उसमें आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग खुलने देते हैं। तो सेटिंग खुलने के बाद आप देख सकते हैं इधर बहुत सारा ऑप्शन आ गया है, जनरल, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, प्राइवेसी, टाइमलाइन, टैगिंग, ब्लॉकिंग, लैंग्वेज, तो बहुत कुछ है। तो आप सबसे पहले तो जनरल में सेलेक्ट रहेगा, तो जनरल से हटा कर आपको सिक्योरिटी एंड लॉगिन में आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सिक्योरिटी एंड लॉगिन में क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे जाना होगा। उसके नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इधर सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, तो इधर 3 सिक्योरिटी का लेयर और है। गाइस, आपको सेकेंड वाला ऑप्शन को एडिट करना होगा। एडिट मेनू क्लिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, कोड जनरेटर, सिक्योरिटी की। आप इधर सबसे पहले आपको टेक्स्ट मैसेज में आपको चाहिए वो कोड, तो आपको मोबाइल नंबर आपका डालना पड़ेगा अपना फेसबुक अकाउंट में। आप अपना नंबर फटाफट डाल लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल सेटअप हो जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको कोड आएगा, उसके बाद आपको एक कोड को इधर डालना होगा और आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग, मैं फटाफट से अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। हम लोग कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, मेरा फ़ोन नंबर डल गया है और देखते हैं कंटिन्यू करके। और आप जैसे कि देख सकते हैं इधर कोड डालना पड़ेगा। चलिए, मेरा मोबाइल में शायद कोड आने वाला है। जैसे मेरा कोड आएगा तो मैं अपना कोड डाल दूंगा। तो मेरा कोड आ गया है, तो हमेशा कोड चेंज होते रहता है, तो एक कोड हमेशा नहीं रहता। तो हम लोग इस पर कंटिन्यू कन्फर्म में क्लिक करेंगे। कन्फर्म में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का फ़ोन नंबर सेटअप हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं टर्न ऑन द टेक्स्ट नोटिफिकेशन में आपको क्लिक करना होगा, तब जाकर आपको फेसबुक की तरफ से जो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो हम लोग इसमें सेव सेटिंग में हम लोग क्लिक करते हैं। सेव सेटिंग में जैसे ही आपको क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आ गया जो हम लोग का हो गया सेटअप। उसके बाद हम लोग को टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना होगा। जैसे सेटअप में हम लोग क्लिक करते हैं, सेटअप में करने के बाद सेटअप सेकेंड फैक्ट्री, तो इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं और आपका जो टू स्टेप वेरिफिकेशन था वो एनेबल हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया है। और तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एनेबल हो गया है। इधर जैसे कि आप देख सकते हैं एनेबल्ड लिखा हुआ है, तो एनेबल इसमें लिखा है मतलब आपका जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो एनेबल हो गया। आप जैसे ही फिर लॉगिन करेंगे कभी भी तो आपको मोबाइल में कोड आएगा और तब जाके आप लॉगिन कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार ट्राई भी करके देखते हैं। इसमें हम लोग फिर लॉगआउट क्लिक करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया। मैं अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल देता फटाफट और लॉगिन में क्लिक करता। तो आप जैसे कि गाइस देखेंगे कि लॉगिन अभी डायरेक्टली नहीं हुआ, मेरा फेसबुक में अभी डायरेक्ट नहीं खुला, एक लेयर आ गया। तो ये लेयर को तोड़ने के लिए आपको कोड डालना पड़ेगा, जो फ़ोन नंबर आप रजिस्टर किए उसमें कोड आएगा, तब जाकर वो कंटिन्यू करेंगे, तब जाकर आपका फेसबुक अकाउंट खुलेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि मान लीजिए आपका कोई पासवर्ड बाई चांस देख भी लेता है तो वो आपका फेसबुक ऐसे नहीं खोल पाएगा जब तक आपका फ़ोन नंबर में आया हुआ कोड को आप उसमें नहीं डालते। तो ये कोड को हम लोग डाल के आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मैं आपको कोड डाल के दिखा देता हूँ। इस पर कोड देखिएगा अलग है। तो मैं कोड डाल दिया और कंटिन्यू हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देख सकते होंगे मेरा फेसबुक का अकाउंट खुल जाएगा।
तो गाइस जैसे ही आप टू स्टेप वेरिफिकेशन का कोड डालने के बाद आपको एक और लेयर मिलेगा। ये लेयर में ये कहा जा रहा है कि अगर ये आपका पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, आप जो पर्सनल यूज़ के लिए डेस्कटॉप है, जो आप खाली ओनली यूज़ करते हो, दूसरा कोई यूज़ नहीं करता, तो आप सेफ ब्राउज़र कर दीजिए। सेफ ब्राउज़र करने से ये होगा कि आप फिर से जब लॉगिन करेंगे तो आपको फिर से कोड डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आप बाहर का किसी का मोबाइल का, दोस्त का मोबाइल का करना चाहते हैं, दूसरा मोबाइल में आप लॉगिन कर रहे हैं, तो आप डोंट सेव में क्लिक कीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। तब जाके आपको फिर से कोड मांगा जाएगा जैसे ही आप एंटर करेंगे फिर से अपना फेसबुक में, और तब जाके आपका फेसबुक खुलेगा। तो गाइज यही था कंप्लीट स्टेप फेसबुक का टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करने का। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट में एनेबल कर सकते टू स्टेप वेरिफिकेशन और अपने जो फेसबुक का अकाउंट है उसको और सिक्योर कर सकते। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किए जो फेसबुक यूज़ करते हैं। आई होप सबको ही यूज़ करता है फेसबुक, तो सबको ये सिस्टम एनेबल कर लीजिए तो आपका अच्छा हो जाएगा, फेसबुक और सिक्योर रहेगा। और गाइज अगर आप मेरे चैनल में नए आ गए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में छोटा सा बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे होता ये है मैं जब भी न्यू वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड गुड बाय।